हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन इन द ट्री एंड ऑन द ट्री। ठीक है, स्लाइड से डिफरेंट है, बस आपको समझना है। सो गाइस, अगर आपको बोलना हो कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग ऑन द ट्री या आई एम सिटिंग इन द ट्री? तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे आई एम सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है, बट गाइस ये इनकरेक्ट है। आपको बोलना है आई एम सिटिंग इन द ट्री, ठीक है। जैसे पेड़ खड़ा है, ठीक है, पेड़ के एकदम ऊपर आप बैठे हुए, एकदम ऊपर, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री, तो आप बोलोगे आई एम सिटिंग इन द ट्री, ठीक है। और अगर पेड़ गिर गया, जब तक पेड़ जिंदा है तब तक बोलो आई एम सिटिंग इन द ट्री, ठीक। और जब पेड़ गिर गया और तब आप कोई बैठा हुआ है या कहीं भी बैठा हुआ है, तब आप बोलो ही इज़ सिटिंग ऑन द ट्री, कि वह पेड़ पर बैठा। पेड़ गिर गया है, उसके ऊपर तब कोई बैठा हुआ है, तब आप बोलो ऑन द ट्री। समझ में आया? पेड़ जिंदा है, खड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई जाके बैठ जाए टॉप ऑफ द ट्री, तो आपको बोलना ही इज़ सिटिंग इन द ट्री। अगर पेड़ गिर गया है, काट के गिरा दिया गया, तब उस पर कोई बैठा है, तो आप बोलेंगे ही इज़ सिटिंग ऑन द ट्री। और हाँ, अगर कोई ब्रांचेस पे बैठा है तब भी आप ऑन द ब्रांचेस बोल सकते हो, ही सिटिंग ऑन द ब्रांचेज, ठीक है। बट आप ये नहीं बोलोगे सिटिंग ऑन द ट्री, ब्रांच पे बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ हिस्से हैं उसके पेड़ के, तब आप बोलो ऑन द ट्री। लेकिन आपको सिंपल बोलना है कि वो पेड़ पर बैठा है, तो बोलो ही सिटिंग इन द ट्री, ठीक है। अगर ब्रांच बोलना है तो ब्रांच का नाम लो आप, ही सिटिंग ऑन द ब्रांच, तब करेक्ट होगा। और बाकी मैंने इसको सर्च करके बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, यू कैन हैव अ फेथ इन मी। बाकी जो बहुत ज़्यादा जानकार हैं तो भैया आप कमेंट करो और फिर मैं आपको बताता, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।